Good morning, everyone. Myself Puneet Agarwal. Today I am explaining you some further topics of chapter number 1, Evolution of Computers, part 2. Now the first topic is computer generations. आज हम जानेंगे कंप्यूटर जेनरेशंस के बारे में. दैट मीन कि स्टार्टिंग से लेकर और अब तक कंप्यूटर में किस तरह से चेंजेस आए और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहा ये जो कंप्यूटर में चेंजेस हुआ. आफ्टर दीज अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन्स द प्रेजेंट कंप्यूटर इट शेप इन 5 जेनरेशंस. बच्चों पहले जो भी कैलकुलेटिंग मशीन्स डेवलप हुई थी तब से लेकर आज तक जो भी आपके सामने कंप्यूटर्स के जो लुक हैं वो चेंजेस होकर के आपके सामने रहे वो 5 जनरेशंस में है. द फर्स्ट जनरेशन इज 1940 टू 1955. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन. देयर वर मैनी कंप्यूटर्स दैट वर अ पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. यहाँ पर काफी सारे ऐसे कंप्यूटर्स थे जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट रहे. इन 1944 प्रोफेसर हॉवर्ड एकन्स बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क फर्स्ट. प्रोफेसर हॉवर्ड एकन्स इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था मार्क फर्स्ट और ये इन्होंने 1944 में बनाया. इट यूज्ड पंच कार्ड्स एंड अ टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट. इसमें पंच कार्ड यूज किया जाता था और एक टाइपराइटर यूज किया जाता था इनपुट और आउटपुट के लिए. मार्क फर्स्ट वॉज मच मोर रिलायबल देन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. बच्चों मार्क फर्स्ट बाकी सभी जो पहले के डेवलप हुए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे उनसे मोर रिलायबल था यानी कि उनसे सुपीरियर था. आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर मार्क फर्स्ट जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आपके सामने है. कुछ इस तरह का इतना बड़ा यह कंप्यूटर हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में. ENIAC द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट इन 1946 बाय जॉन हॉकली एंड प्रेस्पर एकर्ट. बच्चों 1946 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था जो कि जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकर्ट ने इन्हें इन्वेंट किया. इट कंटेन ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और इसमें यहां पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी इसमें एंड वॉज 1,000 टाइम्स फास्टर देन मार्क फर्स्ट. जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन में यह 1,000 टाइम्स फास्टर था. ENIAC कंज्यूम ऑलमोस्ट 200 किलोवाट ऑफ पावर. ये जो कंप्यूटर था ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसमें ये जो पावर कंज्यूम करता था वो 200 किलोवाट पावर कंज्यूम करता था. UNIVAC UNIVAC और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. UNIVAC की फुल फॉर्म है बच्चों UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज एनदर सक्सेसफुल इन्वेंशन ऑफ जॉन मॉकली एंड प्रेस्पर एकर्ट इन 1951.
जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकर्ड ने 1951 में एक और दूसरा सक्सेसफुल इन्वेंशन किया विच कुड हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, जो कि यूनिवैक के नाम से जाना गया। और इसमें इसकी क्वालिटी ये थी कि न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल दोनों इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हैंडल कर सकता था। न्यूमेरिकल कहते हैं जैसे 1, 2, 3 का फॉर्मेट, और टेक्सचुअल होता है हमारा अल्फाबेटिकल जैसे ABCD। यूनिवैक हैड 5200 वैक्यूम ट्यूब्स। यूनिवैक में 5200 वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्या फीचर्स रहे इसके? यूज इन साइज, इसका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा था। मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी जैसा कि आप यह डायग्राम देख रहे हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू सेकेंड जनरेशन। द सेकेंड जनरेशन टाइम इज 1956 to 1964। आफ्टर 1955 यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स चेंज द इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1955 के बाद की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की इमेज को चेंज कर दिया, यानी उनमें काफी चेंजेस आए ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय या इस टाइम पीरियड में द मेजर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स बिगिन टू ऑफर अ रेंज ऑफ एसेसरीज। जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने एसेसरीज ऑफर करना स्टार्ट किया, लाइक ए पेज प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, कार्ड फीडर्स एटसेट्रा। आप यहां देख सकते हैं डायग्राम में ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस तरह से यूज किया गया। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। मैग्नेटिक टेप्स वर यूज टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर कराने के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया, स्मॉल इन साइज, और जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बिग हुआ करता था उससे थोड़ा स्मॉल हो गया एंड लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत महंगा था, उसकी कंपेरेबल यह है थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव था उसके कंपेयर करें तो उससे। फास्टर एंड रिलायबल, और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में यहाँ फास्टर था और रिलायबल भी था। रिलायबल कहते हैं कि हम उस पर आसानी से वर्क कर पाते थे। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड इज 1965 to 1975। इन द थर्ड जनरेशन द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC लीड टू स्मॉलर साइज कंप्यूटर्स विद बेटर फंक्शनिंग एंड मोर स्टोरेज। थर्ड जनरेशन में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनका इन्वेंशन हुआ और इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के साइज को और स्मॉल कर दिया और बेटर फंक्शनिंग के साथ में। और स्पेशल बात ये रही कि इसमें हम स्टोरेज भी ज्यादा कर सकते थे, यानी कि मेमोरी स्टोरेज भी इसमें हमें ज्यादा मिलता था। आप यहां देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स डायग्राम में आपको शो हो रहे हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इन्हें शॉर्ट में IC कहा जाता है। इनका यूज करके कंप्यूटर के साइज को स्मॉल बना दिया गया। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स वर मेड ऑफ ICs, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। द यूज ऑफ ICs रिड्यूस द साइज, ये भी मैंने आपको बताया। ICs का यूज होने के बाद में कंप्यूटर का साइज कम हो गया, रिड्यूस हो गया, एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई पहले के मुकाबले। दे वर मोर अफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल, और इस तरह के जो कंप्यूटर थे वो अफोर्डेबल थे कि बजट में इन्हें खरीदा जा सकता था। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन की टाइमिंग है 1976 to 1985। इन 1980s वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI केम इनटू एक्सिस्टेंस
in which thousands of transistors were placed on a single chip called a microprocessor. 1980 में VLSI, very large scale integration, ये आया, तो इसका invention हुआ, तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो कि इससे पिछली जनरेशन में थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जाता था, उसकी जगह पर एक सिंगल चिप आ गई, केवल एक सिंगल चिप लग करके, और उसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता था। जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो भी रिड्यूस हो गया, वो कॉन्सेप्ट थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज करने का, उसकी जगह पर VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। IBM रिलीज देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप पीसी which was used by Intel 8088 chip as their CPU. IBM ने सबसे पहले अपना डेस्कटॉप पीसी यहाँ पर रिलीज किया, और जिसमें कि Intel की 8088 chip उनके CPU में यूज की गई। In 1983 introduced the PC XT which has more memory and more hard drive space. In 1985 Microsoft released the first version of Microsoft Windows. IBM ने introduce किया PC XT, इसमें काफी memory और hard drive space देखने को मिला। 1985 में Microsoft ने release किया first version of Microsoft Windows. Microsoft ने 1985 में Microsoft Windows को launch किया। Features of fourth generation computer. VLSI called microprocessors invented. VLSI को microprocessor कहा गया, जो कि इसमें use हुआ fourth generation में. Small in size, यहाँ पर size को small कर दिया गया, and could be placed on an office table. और इसे office में table पर place किया जा सकता था, क्योंकि size इसका इतना small हो चुका था कि आसानी से offices में इन्हें use किया जाने लगा. हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा, मेमोरी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया गया, ताकि हम आसानी से डाटा को स्टोर कर सके. इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन रहा. जीयूआई की फुल फॉर्म है बच्चों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. फिफ्थ जनरेशन 1986 टू प्रेजेंट, बच्चों 1986 से लेकर अब तक यह फिफ्थ जनरेशन है. आफ्टर 1986 VLSI टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू डेवलप मोर पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर्स टू इंप्रूव द स्पीड, साइज, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स. 1986 के बाद VLSI टेक्नोलॉजी ने क्या किया, यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी ने पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर्स बनाए, जिससे कि स्पीड को इम्प्रूव किया जा सके, सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज किया जा सके, साइज रिड्यूस किया गया, कॉस्ट इफेक्टिव की गई कि हम अपने बजट में परचेज कर सकें, और जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थी उसे अच्छा बनाने के लिए कोशिश की गई, और जिसमें सफल भी रही. इन 1997 इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द MMX माइक्रोप्रोसेसर व्हिच वर डिजाइन टू इंप्रूव गेमिंग एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस. 1997 में अगर बात करें तो इंटेल ने MMX माइक्रोप्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस कराया, जो डिजाइन किए गए थे गेमिंग और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उसमें हैवी ग्राफिक्स की हमें नीड होती है, तो यहाँ पर हैवी माइक्रोप्रोसेसर्स को बनाया गया, जिससे कि सिस्टम की स्पीड को और बेहतर बनाया जा सके. साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि जो कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट है AI के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, तो उसमें भी अभी वर्क चल रहा है, और डे बाय डे आप देख रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं और अपडेशन आते रहते हैं, तो जो कि हमारे कंप्यूटर को और भी रिलायबल बनाते हैं, जिससे कि हम अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सकें. तो आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर पाएंगे. इम्प्रूव साइज, कॉस्ट, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइज को डे बाय डे इम्प्रूव किया गया है. आप देख सकते हैं पहले जो मॉनिटर आते थे CRT आते थे, जो कि काफी बड़े हुआ करते थे, अब फिर LCD आए, LCD के बाद में फिर LED मॉनिटर आ गए, तो यहाँ पर सभी के साइजेस को रिड्यूस किया गया और उन्हें इम्प्रेसिव लुक दिया गया. कॉस्ट की अगर हम बात करें, पहले बहुत महंगे हुआ करते थे कंप्यूटर्स, अब
पहले की कंपेरेबल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेटेड कंप्यूटर मिलते हैं, वो भी कॉस्ट बजट में। स्पीड और परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के साथ में आजकल आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। न्यू वर्जन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड। विंडोज के कई सारे वर्जन यहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिन्हें डेवलप किया गया है और आप यूज कर सकते हैं इन्हें एनी टाइम एनी वेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू शुड ऑल अंडरस्टूड वेल ऑल दीज टॉपिक्स एक्सप्लेन बाय मी। Thank you so much. If you have any query or doubt, you can call me anytime. All the best.